ग्वालियर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ ही धर्म गुरुओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिशा निर्देशों को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोलाहल अधिनियम और खुले में मास्क की बिक्री पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए। हालांकि शासन की ओर से पहले ही कोलाहल अधिनियम और खुले में मास्क की बिक्री प्रतिबंधित है, बावजूद इसके लोग ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। वहीं खुले में मास्क के अवैध रूप से की जा रही बिक्री को लेकर भी लोग सचेत नहीं हैं। दो मेन बिंदुओं पर हमारी आज चर्चा हो गई जो कल शासन के द्वारा निर्देश निकाले गए हैं। पहली बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये कोई नए निर्देश नहीं है जो जारी किए गए, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स है गवर्नमेंट के, जिसके बारे में दोबारा से हमको याद दिलाया जा रहा है कि इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पहला जो है वो कोलाहल अधिनियम के संबंध में है, नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल के संबंध में है। इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जो स्टैंडर्ड है नॉइज़ के, जो स्टैंडर्ड्स हैं डीएम उसके चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो जाती है, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसमें नियम पहले से हैं, ध्वनि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है, इसका पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए और इसमें बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूर्ण दस्ता बनाया जाए, जिसमें थाना वाइज हम बनाएंगे ग्वालियर में, जिसमें थाना प्रभारी एक रहेंगे सदस्य, उसमें एक राजस्व विभाग के अधिकारी तहसीलदार रहेंगे, तहसीलदार रहेंगे, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम के अधिकारी भी साथ रहेंगे।